शांतिवन, जहां जीवित है बाबा की विरासत। ये सिर्फ टाइपराइटर नहीं है, ये साक्षी है एक अभूतपूर्व कालखंड का। इन्होंने इतिहास की रचना होते देखी है। इन्हीं बटनों पर चली थी उस महामानव की उंगलियां और लिखा गया था स्वतंत्र भारत का संविधान। इन टाइपराइटर्स ने गढ़े बुद्धा एंड हिज धम्म जैसे अजर अमर ग्रंथ। संयोग से इनकी पांडुलिपियां भी यही हैं, आधुनिक भारत के निर्माण की ये कालजयी रचनाएं। ये वही पन्ने हैं जिन पर लिखे विचारों की आज भी दुनिया कायल है। ये लेखनियां आज भी खोई खोई सी रहती हैं, उन उंगलियों की याद में जिन्होंने इन्हें जीवित किया था, जबान दी थी। अब इन पन्नों का मोल कौन बता पाएगा भला, क्योंकि इन पर भी कुछ पंक्तियां लिखी थीं उस ज्ञान के हिमालय ने। ये शब्द देखिए, जो देखेंगी वो निगाहें धन्य हो जाएंगी। जी हां, आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के एक लेख का मूल रूप देख रहे हैं। ये वाकई जीता जागता इतिहास है। अब इस चित्र को ही देख लीजिए, यह एक महामानव द्वारा अपने कालजयी आदर्श को किया गया अभिवादन। तथागत का वो मूल चित्र दूसरे तथागत के ब्रश से बना हुआ, ये वही चित्र है जिसे साकार करने के लिए स्वयं बाबा ने उम्र के 65वें वर्ष में चित्रकारी सीखी थी। ये सब भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के वो हिस्से हैं जिनके बारे में आपने अब तक केवल शायद सुना था, देखा नहीं। अब इतिहास का नया पता है शांतिवन। नागपुर के 0 माइल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है वो स्थान जहां बाबा की अनमोल विरासत आज भी सांसें ले रही है। इंसानियत और ज्ञान की रोशनी बिखेर रही है। दलितों की, सर्वहारा की बुलंद आवाज थे बाबा, जिनकी पहले सुनवाई नहीं हुई थी उनके वकील थे बाबा। उस जमाने के ये बेहतरीन सूट, ये कोट, आप कई तस्वीरों में इन्हें देख चुके हैं, बाबा के बदन पर गर्व से लिपटे हुए। अब आप भी इन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। न जाने कहां से ऐसी किस्मत लाए थे ये धागे, जो आज भी उस महामानव के स्पर्श को याद कर बार बार रोमांचित होते रहते हैं। उन टोपियों और हेड्स की भावनाओं का आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिन्हें ऐसा भाग्य मिला हो, स्वयं महामानव का साथ मिला हो। इन जुराबों ने तो उन ऐतिहासिक कदमों को न जाने कितनी बार चूमा है। ये उस तूफान की राह चले हैं जिसने एक पूरे देश को नई राह दिखाई थी। ये कांच के टुकड़े, ये लेंसेस, ये चश्मा, इन पर आज भी इस बात की मदहोशी छाई है कि इन्हें उस प्रज्ञा चक्षु की निगाहों के आगे होने का कभी अवसर मिला था।
ये घड़ी तो उन्हें समय बताया करती थी, जिन्होंने खुद अकेले ही समय को बदल कर रख दिया था। बात है 1955 की। देश को आजाद हुए अभी 8 साल ही हुए थे, लेकिन एक बड़ी आबादी अब भी गुलाम थी। न पीने के पानी पर हक मिला था और न ही आम इंसान की तरह जीने पर। कई धर्मों का गहन अभ्यास किया था बाबा ने, फिर उनकी निगाहें अटकी इस माटी के धम्म पर। वही धम्म जो शांति, करुणा, समता, बंधुता और एकता की राह दिखाता है, जो बुद्ध की राह है। उसी वर्ष 12 जनवरी के दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं अब जल्द ही बौद्ध धर्म को अपनाने वाला हूँ और उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा। इस केंद्र में इच्छुक और त्यागी छात्रों को प्रवेश मिलेगा। उन्हें बौद्ध धम्म के प्रशिक्षण के साथ अन्य सभी धर्मों का तुलनात्मक इतिहास और बौद्ध धम्म की विशेषताओं से परिचित कराया जाएगा। इसके उपरांत उन्हें श्वेत शुभ्र वस्त्रों का परिधान करवाकर धम्म के प्रचार प्रसार हेतु आम जनता के बीच भेजा जाएगा। उनके संदर्भ में जनता के अभिप्राय जानने के बाद ही उन्हें भिक्खु संघ में प्रवेश मिल सकेगा। इस तरह एक नवीनतम भिक्खु संघ की निर्मिति होगी। अगले ही वर्ष आया वो ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। बाबा ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों को धम्म दीक्षा भी दी। नए युग का सूत्रपात किया, एक सपना साकार होने लगा। इस ऐतिहासिक धम्म दीक्षा आयोजन समिति के सचिव थे बाबा के परम विश्वासु सहयोगी वामन गोड़ बोले। मुंबई से सभी तो जाहिर केला कि माझी दीक्षा ऑक्टोबर महिन्यात पूर्वी पुढच्या वर्षी वैशाख पौर्णिमा जी 24 मेला येते त्या दिवशी माझी दीक्षा सारनाथला होईल, परंतु हा दिशेस त्यांना बरोबर वाटलं नाही आणि नंतर हा दिवस। बाबा के कहने पर उन्होंने धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के विषय में सोचना आरंभ कर दिया था। इसी वर्ष 6 दिसंबर को बाबा का महापरिनिर्वाण हुआ। वामन राव का निश्चय और दृढ़ हो गया। बाबा का अस्थि कलश लेकर वे चल पड़े। अगले ही वर्ष 22 अप्रैल 1957 की बात है। नागपुर जिले के चिचोली गांव के एक उच्च वर्णीय कुनबी परिवार की एक महिला ने वो कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी 11.5 एकड़ भूमि धम्म कार्यों के लिए दान कर दी। सामाजिक सौहार्द का अलख जगाने वाली इस महान महिला का नाम था गोपिका बाई बाजीराव ठाकरे। वामन राव कई चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ साकार करने लगे बाबा के सपनों का शांति वन। एक अनुपम बौद्ध विहार की रचना भी, जिसमें भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े तथ्यों और उनके वर्षों का सांकेतिक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ विविध शिविरों और धम्म कार्यों की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन उनके विद्यालय का निर्माण शेष है। बाबा साहब की अर्धांगिनी माई साहब ने बाबा के जीवन से जुड़ी अमूल्य वस्तुओं को यहाँ के संग्रहालय के लिए समर्पित किया है। बाबा के निजी सचिव श्री नानक चंद दत्तू और उनके परिवार के सदस्यों ने इसमें अमूल्य योगदान दिया। छोटे मोटे सहयोग से कारवां यहां तक पहुंचा, लेकिन अभी मंजिल काफी दूर है। शांति जल संचिका, शांति विश्रांति गृह, शांति विहार, शांति मुद्रणालय, इन समय पूरा प्रकल्प काफी विस्तीर्ण है। हालांकि अब यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचने भी लगे हैं बाबा की यादों को ताजा करने।
अब तक जिन वस्तुओं को बाबा के साथ तस्वीरों में देखा था उन्हें आंखों में बसाने के लिए, जैसे ये काठी, ये छाता। कई और वस्तुएं, ये वही लालटेन है जो पिता रामजी सुबेदार ने बाबा की पढ़ाई के लिए दिया था। इसकी टिमटिमाती रोशनी में इस प्रज्ञा सूर्य ने एक नई राह रोशन की थी। और ये कुर्सी जिस पर स्वयं बाबा बैठा करते थे, ये तमाम वस्तुएं आने वाली कई पीढ़ियों को कई सदियों तक रोशनी देती रहेंगी। हर पिछड़े को उसका हक, हर पीड़ित को जबान दिलाती रहेंगी, ये भी बताती रहेंगी कि अभी बहुत काम बाकी है। इस लघु चित्र में आपने जो कुछ देखा वो एक छोटा अंश मात्र है चिंचोली स्थित शांतिवन में मौजूद उस महान धरोहर का। ये केवल उसका संक्षेप में परिचय है। शांतिवन तो अथाह सागर है बाबा से जुड़े संस्मरणों का, उन अमूल्य पलों का जिन्होंने समय को थाम रखा है, जैसे कि भगवान बुद्ध की ये मूर्ति जो गवाह है बाबा के धम्म परिवर्तन की। बौद्ध धम्म को अपनाने के बाद बाबा इसी के सामने नतमस्तक हुए थे, ये आज भी इस बात की याद दिलाती है। ये आज भी याद दिलाती है कि समूचे विश्व को महाकारुणिक बुद्ध की राह पर लाना अभी बाकी है, इस पूरी धरती को शांतिवन बनाना अभी बाकी है।